आप दीजी वो शिखर को वॉशरूम जाना है। हाँ हाँ अच्छा पुत्र मैं दिखाती हूँ तुझे। मामा आजा भी आजा तू भी आजा। खुश मैनू तो बहुत चंगी लगी। मुझे तो बेस्ट लगी। अरे अरे मुझे तो बताओ ये आप दोनों क्या चल रहा है ये? तूने कुछ देखा ही नहीं जब दिशा आई तो? अरे देखा नहीं था, जैसी वो आई अमृता की फोटो का फूल उड़ के सीधा उसके पैरों पे जाके गिर गया। स्वागत कर रही हूँ जैसे अपने घर में उसका। और कैसे उसने आलिया के दिल की बात पढ़ ली थी और अब भी उसका जन्मदिन भी मनवा रही है। अब ये दोनों बातें संजोग नहीं हो सकती। हाँ। इसके पीछे कोई ना कोई गुड मतलब है। एक मिनट एक मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों की क्या खिचड़ी पक रही है। प्लीज मुझे बताओ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वो चाची रचनानी कह रही है दिशा मिस मेरी मम्मा। आलिया आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बेटा वो शादीशुदा है उसका बच्चा भी है। तो फिर क्यों हुआ? बच्चा है पति नहीं है। और मैंने बातों बातों में उसे पूछ भी लिया है उसका उसके साथ तलाक हो चुका है। वो कहाँ से आई है कहाँ कहाँ रहती थी उसके घर वाले कौन है मतलब ये सब भी तो पूछना होता है। पूछा ये किया आपने? नहीं। पीजी ये तो छोटी बच्ची है लेकिन आप तो बड़ी हो आपको तो पता होना चाहिए कि कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले क्या क्या पूछने की जरूरत है। पर खैर लड़की मुझे पसंद है तो अब सारी इंक्वायरी मैं करूंगी सारी पूछताछ मैं करूंगी और जब तक मैं नहीं ओके कहती हूँ तब तक कोई ओके ओके नहीं है। ओके पर आपने ओके तो अभी बोल दिया। आ? ए, ये वाला ओके नहीं है वेरी स्मार्ट। टैक्सी वाले का फोन था कंफर्म करने के लिए सुबह 4 बजे आ जाएगा। मैं चलूंगा तुझे छोड़ने के लिए। नहीं इट्स ओके मैं चला जाऊंगा। पूछ नहीं रहा हूं बता रहा हूं। आलिया जी नानी चाची कुनान मुझे क्यों बुला रहे मैंने क्या गलती कर दी? आलिया हाँ नानी चलिए जल्दी से पापा को बाय बोलिए क्योंकि वो सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। हाँ नानू तो मैं सुबह कोई जरूरत नहीं सुबह सुबह उठोगी पूरे दिन स्कूल में नींद आएगी। अबू सुबह उठ जाएगी उसका मन है तो वो कर लेगी। बाय सुनाई नहीं दिया मुझे अभी तक। वो पापा
थक गए होंगे ना, और उन्हें सुबह जल्दी भी उठना है, इसलिए चली जाइए, अब जाके सो जाइए। मुझे रिया और डॉलर को कुछ भिजवाना है तो मैं वो लेके आता हूँ वीर को। विश्राम, अब आप लोग सांस ले सकते हैं। सांस लेने के लिए कहा है, दांत निकालने के लिए नहीं कहा है। मुंह बंद। आलिया, तुम कल सुबह तक मुंह नहीं खोलोगी, आई बात समझ में? ये लो, जाओ जाकर आलिया को उसका बर्थडे गिफ्ट दो। जाओ। हैप्पी बर्थडे आलिया। थैंक यू सो मच। आप दोनों मुझे इस सुबह सुबह विश करने आ गए। मुझे पता था ना प्लान क्या है, इसलिए मैं भी मदद करने आ गई। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। आ रही है ना, तो जाके उस कमरे में सो जाओ, तभी तो बर्थडे पार्टी एंजॉय कर पाओगे, है ना? अरे बर्थडे गर्ल, अपना गिफ्ट तो खोलो। या सॉरी। वाह भाई वाह, पुत्री। तुम्हें कैसे पता चला? क्या मम्मा के 10th बर्थडे पे नानी ने उन्हें प्रिंसेस बनाया था। मम्मा बहुत खुश थी पूरे दिन। अगर आप बेबी गर्ल हो तो आपके 10th बर्थडे पे भी मम्मा आपको वैसे ही प्रिंसेस बनाएंगी। पिंक फ्रॉक, क्राउन, मैजिक वॉन्ड सब लाएगी आपके लिए। हाय रप्पा, पुत्र, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने क्या अम्मू की डायरी पढ़ी है? जी नहीं, वो भी लड़की थी और मैं भी लड़की हूँ, वो भी माँ थी और मैं भी माँ हूँ, और दुनिया की हर माँ को पता है कि उसकी बेटी किसी प्रिंसेस से कम नहीं होती। दुनिया की हर खुशी में सबसे पहला हक उसका होता है। चलो बर्थडे गर्ल, आओ और अपना ये मैजिक वॉन्ड ले लो और चलाओ अपना जादू, और जो मांगना है मांग लो। मेरे पापा कभी वापस न जाए। वालू पुत्र, नींद आ रही है तुझे? एक बेटा, तेरी आंखें बंद हो रही है, जा जाके सो जा। तुम जा। नहीं दादी नानू, अभी पापा आ जाएंगे। बीजी नानी, आप पापा का फेवरेट गोभी पराठा बनाओ। नहीं, नूडल्स, नूडल्स नहीं, आलू पूरी। हाँ आलू पूरी। और निम्रा चाची, आप पापा का फिर से रूम सेट कर दो। और राणा चाचू और दादी नानू, आप लोग इनकी हेल्प करो, तब तक मैं रेडी होके आती हूँ। ओके? हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। एक बार टिकट और पासपोर्ट बाहर निकाल के रख लो, क्योंकि वहाँ ड्रॉप पॉइंट पे ज्यादा देर रुकने नहीं देते गाड़ी। पासपोर्ट, पासपोर्ट नहीं है इसमें। मतलब भाई, एक सेकंड गाड़ी साइड में लगा लो, आज बैग में चेक कर लेते हैं।
फेरी ड्रेस पहन के मेरी बेटी बिल्कुल फेरी ही लगेगी। वाह आलिया, एकदम फेरी लग रही हो। आई विश मैं आपके साथ होती भी, बट आई प्रॉमिस अगर मैं नहीं तो मेरी भेजी हुई कोई एंजल आपके पास जरूर होगी। टेंथ बर्थडे बेबी बिग डे होता है क्योंकि अब से लेके आपकी पूरी लाइफ तक आपका हर बर्थडे 2 digits होगा और जैसे जैसे डिजिट्स बड़ा होगा वैसे वैसे मेरी बेटी की समझ भी बड़ी होती जाएगी। उसे राइट और रॉन्ग, गुड और बैड सब समझ में आने लगेगा। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। वैसे तो बेटा मम्मा और बेटी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से मम्मा साथ ना हो तो कोई दूसरा भी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, जैसे कि कोई टीचर, कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हो। दिस पर्सन विल हेल्प यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जिससे कि आपको सब लोग और भी ज्यादा पसंद करेंगे और भी ज्यादा प्यार करेंगे आपसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.